सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। एंड इस मैच में खेला था डूवर से स्क्वाड, उतर चुका हूँ स्टेडियम। अरे यहाँ पे उतरते ही मुझे स्कारल मिल जाती है और सामने बंदे के भी आते हैं जो कि स्विमिंग पूल में उतरते हैं और पूरा का पूरा स्क्वाड ही होता है जो कि मुझे नहीं दिखता बट मेरे टीममेट को दिख जाता है। तो यहाँ से कुछ लूट करते हैं और सीधे उन लोगों पर मैं रश करने जाता हूँ, तभी उन लोग मतलब कि वहाँ से जंप करके हमारे ऊपर रश करने आ रहा था, तभी मैंने एक को आसानी से नॉक किया और दूसरे को भी आसानी से नॉक कर दिया। अब मैं वेट कर रहा था इसको और बंदे आने का, बट वो बंदा घर के अंदर था जो कि बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए हमें घर पे जाना पड़ा। और जैसे मैं इधर आया तभी इस बंदे के तो मैंने इजीली नॉक कर दिया। और अब बारी थी इसके लास्ट बंदे की जो कि यार अब आता है जिसे मैं आसानी से भरने वाला हूँ। और इसी के साथ ए स्क्वाड पूरी फिनिश हो जाती है। अरे एक साथ आता तो कुछ बात बनता बट अलग अलग आया था। और उसके बाद सीधे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इस ड्रॉप पे, और जैसे ही यहाँ पे आते हैं सामने की तरफ दो स्क्वाड आपस में फाइट कर रहा होता है, तो हम लोग सीधे इधर जाते हैं जो कि यार सामने की तरफ मतलब रोड पे उन लोग होता है, तो हम लोग एक साइड में आते हैं ताकि मतलब बीच में नीचे गाड़ी में फंसे ना हम लोग। इसलिए जैसे ही हम लोग इधर आते हैं वो लोग भी गाड़ी से आके हमें रस मतलब हम पे रस कर देता है, जिससे मैं आसानी से भरने वाला हूँ। इस बंदे ने तो लेट के गलती कर दिया और पूरा हेड ही हेड खाया। और ये वाले ने तो यार मेरे टीममेट से फाइट करने के चक्कर में मतलब मैंने इसको इजीली भर दिया, बट ये लास्ट वाला बंदा को देखो तो पता नहीं क्या कर रहा था गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, जब सब मर गया तो आता है। और जैसे मैं इस साइड आता हूँ तभी सामने की तरफ जो स्क्वाड होता है वो मुझे दिखता है और मैं इसे कनेक्ट करने के ट्राई करता हूँ बट वो कनेक्ट नहीं हो पाता, एक दो गोली नहीं कनेक्ट होता है और बाकी वो कवर में चला जाता है। तो सीधे यहाँ से हम लोग गाड़ी लेते हैं और सीधे उस बंदे पे रश करते हैं जो कि मुझे सामने दिखता है, और मैं गाड़ी चढ़ाने का ट्राई करता हूँ बट वो बच जाता है, बट कहीं ना मैं उतर के इसे इजीली नॉक करता हूँ। और इसके एक और टीममेट होता है जो कि यार सामने से मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। अब मैं सोच रहा था कि अब वहाँ पे कोई नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि मेरे टीममेट को पूरा फिनिश करने का ट्राई कर रहा था। बंदा का मुझ पे वो क्या है मतलब कि पहले तो उसका वो एंगल नहीं बन रहा था मेरे ऊपर, तो मैंने उसको सिर्फ फायर किया था बंदे को ड्राओ करने के लिए कि वो मेरे टीममेट को नॉक फिनिश ना कर पाए, लेकिन उसके बाद एंगल बनता है तो मैं कुछ डैमेज देता हूँ बट वो क्या बच जाता है और फिर अपने टीममेट को रिवाइव करके सीधे यहाँ से निकलने वाला होता है गाड़ी लेकर के। तो मजबूरी में मुझे जोन के बाहर ही जाना पड़ता है फाइट लेने के लिए। और फिर देखो वो बंदा भागने के लिए, बंदा जैसे ही भागने वाला था तभी हम लोग ने गाड़ी पे मतलब इतना डैमेज दिया कि वो भाग नहीं पाया और रुक जाता है, जो कि रुक के सबसे बड़ी गलती करता है क्योंकि वो सामने से भाग सकता था पर भागा नहीं। और यहाँ पे मुझसे एक गलती हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट की मतलब कि वो नहीं हेल्थ नहीं यूज़ करता तो शायद मैं इस बंदे को मार सकता था, क्योंकि अगर मैं नॉक भी हो जाता तो मेरा टीममेट था, बट कोई ना, वहाँ से सीधे इस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मुझे एक घर पे बंदा दिखता है और एक गाड़ी से भागते हुए दिखता है, तो मैं पहले गाड़ी वाला पे लगाना चाहता हूँ। फिर लगता है कि नहीं पहले घर वाला पे रश करते हैं क्योंकि गाड़ी वाला तो निकल चुका था, तो मैं जैसे हम लोग इधर आते हैं घर पे उसका फुटप्रिंट अच्छी तरह से आने लगता है, तो हम लोग मुझे पहले लगता था कि वो गाड़ी लेके भागने का ट्राई करेगा बट वो नहीं भागता, लेकिन फिर से पीछे की तरफ घर पे कुछ जंप करता है, तो मुझे लगता है कि उसका अलग सा कुछ स्ट्रेटजी होगा, बट वो बंदा भागने का ट्राई करता है जो कि स्केटिंग से भागता है। भाई दो बंदों के बीच से स्केटिंग खोल के कैसे भाग पाएगा यार, अगर वो बंदा फाइट लेना चाहता तो यार रिजल्ट कुछ और होता, बट कोई ना। अब यहाँ से गाड़ी उठा के सीधे उस बंदे पे रश करते हैं जो कि गाड़ी लेके हमसे भागा था, तो जैसे हम लोग इधर आते हैं यहाँ पे उस गाड़ी दिखता है और बंदे भी दिख जाते हैं जो कि हम पे ही वो कर रहा था मतलब कि एंगल बनाने का ट्राई कर रहा था, उसे लग रहा था कि हम लोग उधर ही हैं, लेकिन हम लोग सामने से गाड़ी लेकर के आ जाते हैं ड्रॉप की तरफ से। तो अब देखो इसे इजीली भरने वाला हूँ, एक बंदा नॉक होता है, दूसरे को काफ़ी डैमेज दिया मैंने बट वो भरने चला जाता है, और तीसरे को डैमेज दिया तभी वो बंदा फिर से बाहर निकला और उसे और एक पूरा का पूरा स्क्वाड को इजली फिनिश कर दिया। और इसके बाद अब तीन बंदे बचे थे तो हम लोग गोल गोल घूम रहे थे, बंदे को खोजते थे मतलब, तो वो बंदा सीधे यहाँ पे दिखता है जो कि
और इसे मैं आसानी से मतलब कि फिनिश नॉक कर देता हूँ। अब इसके और बंदे होते हैं जो कि स्टेडियम में ही होते हैं, बट मुझे लग रहा था कि कोई पीछे भी हो सकता है, तो मैं पीछे चेक करता हूँ पहले और फिर स्टेडियम की तरफ जा करके मतलब कि नेट टॉस करता हूँ। तभी वो मेरा नेट ग्लिच करता है क्योंकि सामने की तरफ से किसी ने नेट फेंका था, तो अब वहाँ पे मेरा खुद का नेट हो जाता है, तो वहाँ से मतलब नेट हो जाता है, यहाँ पे आता हूँ। अभी उसका नहीं मिले और भाई सामने की तरफ ही वो नेट फेंका हुआ था यार, तो मैं मतलब कि उसके खुद के नेट मतलब उसके नेट पे खुद चला गया और मैं यार नॉक हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी वो बंदे मुझ पर रस नहीं करते क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी डैमेज दिया था और एक बंदा उसका नॉक ही था, तो थोड़ा सा डरा हुआ भी था। वो अभी मुझे यहाँ पर आसानी से रिवाइव मिलने वाला था क्योंकि उन लोग रस नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पर आसानी से मतलब कि रिवाइव हो जाता है। और जैसे मैं हेल्थ लेने लगता हूँ तभी मुझे एक बुलेट करने चला हूँ उसका, और भाई साहब कैसे कैसे मतलब कि मैं जोन के बाहर था फिर भी कैसे कैसे हेल्थ ले लेता हूँ और मैं इसे आसानी से मिस कर देता हूँ। और इसी के साथ हमें एक आसानी से चिकन मिलता है। अरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।